अब तक हुआ है 11 बजे तक, वही मध्य प्रदेश में 32.38% वोट अब तक पड़ गए हैं 11 बजे तक। देवास में सबसे ज्यादा मतदान रहा अब तक का, सबसे हाईएस्ट स्कोर रहा है देवास का, 35.33% मतदान देवास में दर्ज किया गया है। तो मध्य प्रदेश में 32.38% वोटिंग, देवास में 35.33% मतदान हुआ। इंदौर में सबसे कम मतदान 25.01% मतदान हुआ। दूसरे नंबर पर उज्जैन रहा 34.25% मतदान। तीसरे नंबर पर मंदसौर रहा, मंदसौर में 34.02% मतदान हुआ। चौथे नंबर पर रतलाम रहा 34.04% मतदान। धार में मतदान रहा पांचवे नंबर पर 34.62%। खरगोन में 33.54% मतदान। खंडवा में 31.87% मतदान हुआ है। तो मध्य प्रदेश की 8 लोकसभा क्षेत्रों की मतदान प्रतिशत आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में जो मतदान प्रतिशत है वो सामने आ गया और देश में 24% से ज्यादा मतदान अब तक दर्ज किया जा चुका है। तो वहीं मध्य प्रदेश में भी मतदान प्रतिशत सामने आ गया, मध्य प्रदेश में 32.38% मतदान सामने आया। देवास में 35.83% मतदान हुआ देवास लोकसभा क्षेत्र में। देवास की बात करेंगे अगले लोकसभा क्षेत्र की, जहां पर मतदान प्रतिशत का आंकड़ा क्या कहता है वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाएंगे। देखिए देवास का हमने आपको बताया, बात कर लेंगे इंदौर की, जहां पर सबसे कम मतदान प्रतिशत रहा। इंदौर में मतदान प्रतिशत रहा है, माफ कीजिए, धार में रहा है 32.62% मतदान, जो ये 11 बजे तक का परसेंटेज है जो हम आपको दिखा रहे हैं धार का। और धार के बाद बात करेंगे इंदौर की, जहां पर सबसे कम मतदान रहा है, 35.01% मतदान मध्य प्रदेश के इंदौर में दर्ज किया गया है, जो कि बेहद ही कम है, निराशाजनक है और लगातार उम्मीद कर रहे हैं कि मतदाता घर से बाहर निकलेंगे और मतदान करेंगे। खंडवा में 31.87% मतदान खंडवा में अब तक दर्ज किया गया है। खंडवा में चौथे चरण में 31.87% मतदान हुआ। खरगोन लोकसभा क्षेत्र में 33.52% मतदान दर्ज किया गया है खरगोन लोकसभा क्षेत्र में। खरगोन की बात कर लेते हैं अगले लोकसभा क्षेत्र की, मंदसौर में 34.12% मतदान प्रतिशत दर्ज किया गया है मंदसौर सीट पर। मंदसौर की बात करेंगे दूसरे लोकसभा क्षेत्र की, जहां पर रतलाम में मतदान प्रतिशत दर्ज किया गया है 34.04%। और रतलाम की बात कर लेंगे अगले लोकसभा क्षेत्र की, उज्जैन की, जहां पर मुकाबला बेहद दिलचस्प है और हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है मुख्यमंत्री की होने की वजह से। 34.25% मतदान उज्जैन में दर्ज किया गया है। 11 बजे तक का मतदान प्रतिशत है जो हम आपको आंकड़ा बता रहे हैं अब तक। ओवरऑल मध्य प्रदेश में अब तक हो गया है 32.38% मतदान हो गया है पूरे मध्य प्रदेश में, जो कि 11 बजे तक का आंकड़ा है। हालांकि अभी तो घड़ी की सुइयां जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी मतदान प्रतिशत भी आगे बढ़ेगा, और मतदान प्रतिशत जैसे जैसे आगे बढ़ेगा न्यूज स्टेट वैसे वैसे दर्शकों को बताएगा, सबसे पहले बताएगा। तो देखिए राज्य का मतदान प्रतिशत आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश का 27.12% मतदान प्रतिशत 11 बजे तक। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे दूसरे राज्य की, जहां पर देखिए पश्चिम बंगाल में 32.78% मतदान हुआ है। पश्चिम बंगाल का मतदान प्रतिशत आपको बता रहे हैं पश्चिम बंगाल के बाद आंध्र प्रदेश की, जहां पर 23.10% मतदान हुआ है, वोट डाले गए हैं अभी तक। हालांकि मतदान प्रतिशत अभी ये बहुत कम है, 11 बजे है, 11 बजे तक का है। बिहार में 22.54% मतदान प्रतिशत दर्ज किया गया है बिहार राज्य में। जम्मू कश्मीर में 14.94% मतदान हुआ, हालांकि जम्मू कश्मीर में वोटिंग को लेकर लोगों में बहुत ज्यादा उत्साह नजर नहीं आया। झारखंड में 22.40% मतदान हुआ है झारखंड लोकसभा क्षेत्र में। महाराष्ट्र में 17.5% मतदान दर्ज किया गया महाराष्ट्र लोकसभा सीट पर। महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं अगले लोकसभा क्षेत्र की, जहां पर जम्मू कश्मीर में 14.94% मतदान दर्ज किया गया। तो हमारे साथ संदीप इस वक्त उज्जैन से हैं, इंदौर से हमारे साथ अतुल हैं और बड़वानी से हमारे साथ हेमंत हैं।